हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व, मतलब एक कर्व पे किसी टेंजेंट या नॉर्मल का क्या इक्वेशन होगा किसी पॉइंट पर, उसको एक्सप्लेन किया है, बताया है कि कैसे हम उस इक्वेशन को निकालेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को टैप करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करके लाया हूँ, इससे क्या होगा कि हमारा टाइम बचेगा, ठीक है, और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करा पाऊँगा। नहीं तो इससे पहले की वीडियो में मैं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन करा पा रहा था, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द कर्व 3y² इज इक्वल टू 2ax² प्लस 6b पासेस थ्रू पॉइंट्स P3-1 एंड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट P इज -1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। एक कर्व है हमारे पास 3y² इक्वल टू 2ax² प्लस 6b। ये कर्व जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से होकर जा रहा है, और इस पॉइंट पर इस कर्व का जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप है, वो -1 है। तो कर्व का स्लोप मतलब इस पॉइंट P पर कर्व पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है, -1 है। तो हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि कर्व कैसा हो सकता है वो। ये हो गया कोऑर्डिनेट हमारा, ठीक है। ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये 0 0, ठीक है। अब क्या पॉइंट है, 3-1, तो एक्स की वैल्यू क्या है 3 और वाई की वैल्यू -1। एक्स की वैल्यू 3 1 2 3 और वाई की वैल्यू -1 कहाँ पे आके मिलेगा, यहाँ पे। यानी कि ये कर्व जो है, कोई कर्व है वो यहाँ से ऐसे होकर जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पी से। इस पॉइंट पी पे जो स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है वो कितना है, -1 है। तो एक कोई टेंजेंट है जो ऐसे होकर जा रहा है, ऐसे होकर जा रहा है पॉइंट पी से। ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप है -1, ठीक है। तो हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि इस कर्व का जो डिफरेंशिएशन होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो इस कर्व को हम पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, 3 तो ऐसे ही रहेगा। वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y की पावर 2-1, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा 2y की पावर 2-1। तो फाइनली क्या निकलेगा, 2y 2-1 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए y की पावर 1 है। फिर y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, ये सब चैन रूल की हेल्प से हो रहा है। उस रूल को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को टैप करके देख सकते हैं। फिर है 2ax² एक्स का स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2x की पावर 1 प्लस 6b, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब हो गया ये 3 2 6y dy/dx, 2 2 4ax। अब ये 6y इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4ax/6y हो गया ये डिफरेंशिएशन। अब हमारा ये जो डिफरेंशिएशन है ये पॉइंट पी पर चाहिए, जब पॉइंट पी पर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा उस पॉइंट पर। तो पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू -1 है, एक्स की जगह पर 3 रख लेंगे, वाई की जगह पे -1 रख लेंगे, इसमें रख लेंगे, यहाँ पर रख लिया गया। फिर 3 से कट कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो क्या बचा ऊपर, 2 into a 2a, और ये -2a, तो dy/dx ये आ गया -2a। यानी कि ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप कितना आ गया, -2a, और पहले से दिया हुआ है कितना, -1, तो दोनों इक्वल होगा, तो -2a = -1। एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/-2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +1/2, तो एक की वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हमें पता है कि ये कर्व जो है इस पॉइंट से होकर जा रहा है, यानी कि इस कर्व के इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सेटिस्फाई करने का मतलब, जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है इसमें रख देंगे, वाई की वैल्यू -1 है इसमें रख देंगे। ये जो कर्व है हमारा 3y² इज इक्वल टू 2ax² प्लस 6b,
इसमें एक्स की जगह पे 3 रख देंगे, रख दिया गया, वाई की जगह पे -1 रख देंगे, हो गया। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 × 3 3 होगा, 2 × a 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 + 6 भी हो गया, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ 9, 3 = 9 + 6 भी। अब ये 9 इधर आएगा, +9 इधर आएगा, तो -9 - -9 हो गया, 3 - 9 क्या होगा -6, फिर b = 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, -6 / 6 कट कर देंगे -1, तो b का वैल्यू कितना आ गया -1, दोनों की वैल्यूज आ गई है और b की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x³ - 11x + 5 एट विच टेंजेंट हैज इक्वेशन y = x - 1। अब हमें पॉइंट निकालना है, इस कर्व पे पॉइंट निकालना है जिस पर जो टेंजेंट होगा, उस पॉइंट से जो टेंजेंट जाएगा उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y = x - 11। तो हम पहले मान लेंगे कि वो पॉइंट क्या है, x1 y1 है, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1। तभी मैंने बताया कि ये कर्व जो होता है इस पॉइंट से होकर जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में गया था, तो इस पॉइंट को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करेंगे, एक्स की जगह पे x1 रख देंगे, वाई की जगह पे y1 रख देंगे, रख लेंगे y की जगह y1, x की जगह पे यहाँ पे x³ - 11x1 + 5, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है y = x - 11, ये टेंजेंट दिया इक्वेशन का। फिर हमें पता है कि किसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c होता है, इसको मैंने अपने उस वाले वीडियो में बता रखा है जिसमें मैंने टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालने का मेथड बताया है, ठीक है, इस इक्वेशन को समझाया है। तो इसमें जो m है वो क्या है, स्लोप है, और c क्या है, वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ देखेंगे, कंपेयर करेंगे इससे इसको, तो देखेंगे यहाँ पर 1 है, m की जगह पर क्या है, यहाँ पर 1, तो यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, m की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो स्लोप = m = 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है कोफिशियंट। तो हमारा इक्वेशन का टेंजेंट स्लोप स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया कितना, 1। अब कर्व है हमारा, ये कर्व है, इस कर्व को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा फिर से। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, 3x की पावर 3 - 1, 3 - 1 क्या होगा स्क्वायर, 3x² - 11, और 5 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 0, 3x² - 11 आ जाएगा। अब हमने पॉइंट क्या माना था, x1 y1, तो यहाँ पे x की जगह पे x1 रख देंगे, y की जगह y1 रख देंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा इस पॉइंट पर, ठीक है, तो रख देंगे, y तो है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ x है, तो x की जगह पे क्या रख देंगे x1, 3x² - 11 आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये 1 के बराबर है, ये जो 1 आया दोनों सेम चीज़ है, 3x² - 11 = 1 आ गया, -11 इधर आएगा तो +11, तो 1 + 11 कितना हो जाएगा 12, फिर 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में कट कर देंगे, 3 × 4 = 12, ये एक स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, इधर आया रूट बन गया, 4 का रूट क्या होता है +-2, यानी कि एक्स की दो वैल्यू आएगा, एक को एक है +2 और एक है -2। अभी जो एक्स की वैल्यू आया +-2, इस वाले इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, ठीक है, पुट करते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ x1, पहले क्या लेंगे, x1 की वैल्यू हम +2 लेंगे और उस इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो y1 = x1 की जगह पर 2 रख देंगे, 2³ - x × x1 था, x1 की जगह पर 2 रख दिया, +5, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 11² = 22 + 5, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितने आ जाएगी -9, यानी कि x की वैल्यू जब +2 रहेगा तो y की वैल्यू क्या रहेगा -9, अब x की वैल्यू -2 है उसको रख लेंगे, रखेंगे तो यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या हो जाएगा -2³ - 11 × -2 + 5, उस इक्वेशन 1 में रख रहे हैं हम इसको, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा -2³ - 8, 11² = 22, -22 + 5, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 19, तो x1 की वैल्यू जब -2 है तो y1 की वैल्यू कितनी है 19 है, तो 2 पॉइंट आ जाएगा, x1 की वैल्यू जब +2 था तो y की वैल्यू -9, x1 की वैल्यू जब -2 है तो y की वैल्यू क्या है 19 है, 2 पॉइंट मिल गया। अब हमें पता है कि टेंजेंट जो होता है वो सिर्फ एक पॉइंट से पास होता है, टेंजेंट जो है कर्व के सिर्फ एक पॉइंट से पास होता है, 2 पॉइंट से तो होगा नहीं, तो दोनों में से कोई एक पॉइंट सही है, कौन सा सही है, तो इस पॉइंट की वैल्यूज को हम टेंजेंट के इक्वेशन में रख देंगे, जो टेंजेंट का इक्वेशन हमारा ये
ये इसमें रखेंगे हम वाई इक्वल टू एक्स माइनस इलेवन में। तो पहले रख दिया टू माइनस नाइन को, तो एक्स की जगह पे टू रखेंगे और वाई की जगह पे माइनस नाइन रख लिया गया। सॉल्व करेंगे तो बराबर आ गया, ठीक है ये तो सही है। इसको लेंगे एक्स की जगह पे माइनस टू रखेंगे, वाई की जगह पे 19, ये इसको सॉल्व करेंगे ये बराबर नहीं आएगा। ये बराबर नहीं आया इसका मतलब ये वाला पॉइंट वैलिड नहीं है। वैलिड कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट वो है जिस पे जो हमारा टेंजेंट पास होगा। आ गया आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स इज इक्वल टू साइन थ्री टी एंड वाई इज इक्वल टू कॉस टू टी एट टी इज इक्वल टू पाई बाई फोर। हमें निकालना है टेंजेंट और इक्वेशन नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है कर्व एक्स इज इक्वल टू साइन थ्री टी एंड वाई इज इक्वल टू कॉस टू टी पर एट टी इज इक्वल टू पाई बाई फोर। सबसे पहले हम वो पॉइंट निकाल लेते हैं जिससे होकर टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये टी इज इक्वल टू पाई बाई फोर रखेंगे इसमें हम, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थ्री टी की जगह पे पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा साइन थ्री पाई बाई फोर। साइन थ्री पाई बाई फोर का वैल्यू होता है वन अपॉन रूट टू, तो यहाँ पर हम वन अपॉन रूट टू रख देंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन रूट टू। अब ऐसे ही वाई को सॉल्व करेंगे, वाई इक्वल टू क्या है, कॉस टू टी की वैल्यू पाई अपॉन फोर, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, कितना आ जाएगा कॉस पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू की वैल्यू होती है जीरो। तो हमें कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया हमें पी, एक्स की वैल्यू है वन अपॉन रूट टू और वाई की वैल्यू है जीरो, वो पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। अब जो है ये जो इक्वेशन है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एक्स की वैल्यू है साइन थ्री टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो हो जाएगा ये कॉस थ्री टी। और फिर अंदर आएंगे थ्री टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा सिर्फ थ्री, तो थ्री पूरे कॉस में मल्टीप्लाई है, पूरे कॉस में थ्री टी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, पूरे कॉस थ्री टी के साथ थ्री का मल्टीप्लाई है। तो थ्री कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा थ्री कॉस थ्री टी, ये आ गया डी एक्स ओवर डी टी का। ऐसे ही हम वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई की वैल्यू है कॉस टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन टू टी। फिर अंदर आएंगे टू टी का डिफ्रेंशिएशन होगा तो सिर्फ टू आएगा बाहर, टू पूरे साइन टू टी के साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ बाहर आ जाएगा माइनस टू साइन टू टी, डी वाई ओवर डी टी आ गया। हमें निकालना क्या है डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। अब ये डी टी ओवर डी एक्स क्या होता है, डी टी ओवर डी एक्स जो होगा वो वन अपॉन डी एक्स ओवर डी टी होगा, डी एक्स ओवर डी टी का रेसिप्रोकल होगा। तो वन अपॉन डी एक्स ओवर डी टी कितना आया है, ये थ्री कॉस थ्री टी आया हुआ है, इसको हम वहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन थ्री कॉस थ्री टी, इसकी वैल्यू आ गई डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो हम रख लेंगे अब यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इजक्वल टू डी वाई ओवर डी टी कितना आया है माइनस टू साइन टू टी इंटू ये कितना आया वन अपॉन थ्री कॉस थ्री टी, पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस टू साइन टू टी अपॉन थ्री कॉस थ्री टी। अब टी की वैल्यू कितना है पाई अपॉन फोर है, यहाँ पर रख लेंगे हम तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टू साइन टू इंटू पाई अपॉन फोर अपॉन थ्री कॉस थ्री इंटू पाई अपॉन फोर, टू से टू कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा माइनस टू साइन पाई बाई टू और यहाँ पर आ जाएगा थ्री कॉस थ्री पाई बाई फोर, ये आ गया आ रहा है हमारा डी वाई ओवर डी एक्स। अब साइन साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, साइन पाई बाई टू क्या होता है वन, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू इंटू वन। और कॉस थ्री पाई बाई फोर का वैल्यू होगा
माइनस वन अपॉन रूट टू, फिर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस टू अपॉन माइनस थ्री अपॉन रूट टू। ये रूट टू ऊपर जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा, टू रूट टू अपॉन थ्री आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो यानी कि यही हो गया तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉइंट पी पर। ठीक है, अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला होता है हमारा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन। फॉर्मूला है वाई वन की वैल्यू कितना है, पॉइंट कितना आया था, वाई वन की वैल्यू जीरो आया था, पॉइंट था हमारा क्या था, पॉइंट आया था हमारा वन अपॉन रूट टू और जीरो। तो यहाँ पर रख देंगे जीरो इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स कितना आया, टू रूट टू अपॉन थ्री, एक्स माइनस एक्स वन है वन अपॉन रूट टू। ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टू रूट टू अंदर आ जाएगा, टू रूट टू अपॉन थ्री एक्स माइनस, ये रूट टू और रूट टू कैंसिल हो जाएगा टू अपॉन थ्री। ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन। क्या हो जाएगा वाई माइनस जीरो इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू रूट टू अपॉन थ्री, ये होगा एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू। ये ऊपर जाएगा वाई इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू रूट टू, एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू। ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वाई इक्वल टू माइनस थ्री एक्स टू रूट टू माइनस माइनस प्लस थ्री, ये रूट टू और रूट टू मल्टीप्लाई होकर टू बन जाएगा, टू इंटू टू तो आ जाएगा वाई इक्वल टू माइनस थ्री एक्स टू रूट टू प्लस थ्री अपॉन फोर। ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।